देखते रहिए VN08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। 25 लाख के सोने चांदी के जेवरात बरामद। सातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में। कुरावर के जनमानस ने किया पुलिस का फुलमाला और साफा पहनाकर सम्मान। जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में जिला पुलिस की टीम एडी चोटी का जोर लगा रही है, जिसके चलते सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। प्रतिदिन ही जिले में किसी न किसी बड़ी वारदात का खुलासा किया जा रहा है। निश्चित रूप से अपराधियों में भय की भावना उत्पन्न करने में जिला पुलिस के प्रयास अब दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। चोरी चले गए थे। सिमिलरली एक घटना 2020 में हुई थी, 16-17 फरवरी की दरमियानी रात हुई थी। ये जो घटना थी ये कैलाश नारायण सक्सेना जी के यहाँ पर हुई थी। इनके यहाँ भी सेम घटना थी, विवाह कार्यक्रम में सभी लोग बाहर थे, उसी दौरान चोरी हुई थी, जहाँ से काफी सारा आभूषण चांदी के जेवरात वगैरह और कुछ नकदी जो है चोरी चला गया था। एक और जो घटना है वो लैपटॉप और मॉनिटर चोरी से रिलेटेड है, वो भी यहीं पर दर्ज की गई थी। पिछले एक महीने से जब से नए थाना प्रभारी और SDOP साहब ने चार्ज लिया है, हम लोगों ने एक महीने से जो अभियान चला रखा है उसमें जो पुराने आपराधिक मामले हैं जो हमारे पेंडिंग है, हम लोगों ने पूरे जिले में उनकी पतारसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हर तरह की मदद हम लोग ले रहे हैं। करीबन हम लोगों ने 200 से 250 ऐसे असामाजिक तत्वों को आइडेंटिफाई भी किया है, जिनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कार्रवाई के दौरान इनको सूचना प्राप्त हुई कि दीपक पिता रामकिशन विश्वकर्मा 25 साल, गंभीर सिंह पिता माधव सिंह घोसी राजपूत ये 35 साल के हैं और सुनील धोबी ये 30 साल के हैं। ये सभी यहीं के लसूलिया रामनाथ के रहने वाले हैं। इन तीनों के द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये घटनाएं कारित की गई थी। जब इन तीनों को पकड़ के पूछताछ की गई तो इन्होंने ये सभी घटनाएं कबूली हैं। इसमें टोटल जो सामान जो मशरूका पुलिस ने जब्त किया है इसमें करीबन 45 तोला यानी कि 450 ग्राम सोने के आभूषण है, जो आप लोग देख सकते हैं। 1 किलो के आसपास चांदी के आभूषण है अलग अलग तरह के, वो भी आप लोग देख सकते हैं। एक लैपटॉप भी है, एक हार्ड डिस्क भी है। इस तरह से टोटल जो अमाउंट है, जो कीमत है इस पूरे मशरूका की 25 लाख रुपए है। ये इस पूरे जो पतारसी हुई है, धरपकड़ हुई है, ये काफ़ी ऐतिहासिक है। इसके लिए मैं पूरी पुरावर टीम थाना प्रभारी राम नरेश राठौर और उन्हीं के साथ योगेंद्र गायकवाड़, मेहरबान सिंह मेचन, विकास यादव, विश्वास राय, वीरेन मौर्य, मुकेश मीना, हेमराज यादव, राजेंद्र वर्मा, संदीप विश्वकर्मा और हमारी महिला आरक्षक पूजा मालवीय, इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साइबर सेल से इसमें उप निरीक्षक राम कुमार रघुवंशी, साथ में शशांक और रवि कुशवाहा, इनके द्वारा भी मदद की गई है। पूर्व में मेरे द्वारा इन दोनों चोरियों पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, वो तो इनको मिलेगा ही। साथ में मैं अपनी तरफ से SDOP साहब और पूरी टीम के लिए माननीय DG सर को भी अवार्ड के लिए पत्र लिखूंगा। इसमें एक व्यापारी भी हैं गौरव सोनी नरसिंहगढ़ के, जिनके पास से भी कुछ माल जो इन लोगों ने बेचा था वहाँ पर वो जब्त किया गया, उनको भी जो संबंधित धाराएं हैं उनमें अपराधी बनाया गया। गौरव सोनी के पास से कितना माल जब्त किया गया अभी? वो जब्ती में देखें और किन किन धाराओं के तहत उनके इसमें टोटल 457, 380, 411 ये सभी धाराएं। सर ये जो गौरव सोनी आरोपी जो माल ठीक है, इस बारे में बात करें।